आखिर गलती किसकी थी? शोभा, मैंने तुमसे फोन करके कह दिया था ना कि काम वाली बाई से अनामिका का कमरा साफ करवा देना, फिर अभी तक कमरे की सफाई क्यों नहीं हुई है? सुनील ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा। शोभा बालकनी में बैठी नेल पॉलिश लगा रही थी। वह गुस्से में तमकते हुए हॉल में आई और कहने लगी, हाँ मैंने सफाई नहीं करवाई, अब तो आप लोग आ ही गए हैं, तो आज जब बाई आएगी तो आप लोग ही सफाई भी करवा लेना और अनामिका अपने पसंद से कमरे की सजावट भी कर लेगी। उसके शब्दों में छिपे हुए तंज को महसूस करके अनामिका हैरान रह गई। सुनील गुस्से से भड़कते हुए बोला, यह क्या तरीका हुआ बात करने का? शोभा का गुस्सा फूट पड़ा और वो कहने लगी कि पहले तुम ये बताओ कि तुम अनामिका को उसके ससुराल से उठाकर यहाँ क्यों लेकर आ गए? सुनील ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो शोभा, मेरी बहन वहाँ पिछले 7 सालों से समझौते पर समझौते किए जा रही है, लेकिन वह लोग कुछ समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। शुरुआत में समझाने पर वो लोग शांत रहते हैं और फिर इसके साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगते हैं। इस बार भी जब मैं उन्हें समझाने के लिए गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अनामिका को इस घर में रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, वरना आप शौक से इसे लेकर जा सकते हो। अब बताओ, ऐसे समय पर मैं अनामिका को वहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ? इसका पति भी इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उसका बाहर किसी के साथ अफेयर भी चल रहा है। बस मैंने भी सोच लिया है कि अब अनामिका को वहाँ घुट घुट कर जीने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बहन के चेहरे के नीले निशान दिखाई नहीं देते? तुम भी एक औरत हो, इसके दर्द को समझने की कोशिश तो करो। शोभा मुंह बनाते हुए बोली, उन्होंने कह दिया और तुम इसे यहाँ उठाकर ले भी आए। अरे तुमने उन्हें कुछ रुपए दे दिए होते तो वो लोग शांत हो जाते, और जरूर अनामिका में ही कोई कमी होगी जो इसका पति बाहर मुंह मारने जाता है। अनामिका अपमानित सी एक कोने में खड़ी आंसू बहा रही थी। भाभी से उसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पत्नी की बात सुनकर सुनील गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा कि इस घर पर जितना मेरा अधिकार है उतना मेरी बहन का भी अधिकार है। शादी के बाद यह कोई पराई नहीं हो गई कि इसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव में मैं इसका साथ ना दूं। मेरी बहन मायके में ही रहेगी, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम घर छोड़कर चली जाओ। पति की बात सुनकर अनामिका की भाभी शोभा तिलमिला उठी कि बहन को घर में रखने के लिए सुनील पत्नी तक को खुद से दूर करने को तैयार है। उसका मन क्रोध और ईर्ष्या से सुलग उठा और वो तुरंत ही ससुराल छोड़कर चली गई। अनामिका दर्द से छटपटा उठी कि क्या विवाह के बाद एक लड़की को मायके में आश्रय लेने का अधिकार भी नहीं होता? क्या अब ये घर केवल भाभी का ही हो गया है? उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसकी परेशानी की वजह से उसके भैया भाभी में मनमुटाव पैदा हो गया था, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इन सब में उसकी गलती क्या है। उसकी भाभी को भी समझना चाहिए कि उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, तो वो क्या कर सकती है? उसे अपनी गृहस्थी छोड़कर मायके में रहने का कोई शौक तो नहीं था। वो काफी दिनों तक सब कुछ ठीक होने का इंतजार करती रही। अब जब सब ठीक होने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था तो मजबूरन उसने ससुराल छोड़ने का निर्णय ले लिया था। अभी उसके जख्म ताजा थे, वरना वो खुद ही कोई नौकरी ढूंढकर अपने पैरों पर खड़ी होकर इस घर से दूर चली जाती। लेकिन फिलहाल तो उसके टूटे हुए मन को संभालने में ही काफी लंबा समय लगने वाला था। ऐसे में भाभी का यह रूप देखकर वो और भी आहत हो गई थी। आज उसे माँ की बहुत याद आ रही थी कि काश आज माँ जिंदा होती तो उसे ऐसी परिस्थिति में मानसिक संबल देती। वो भाभी से भी तो यही उम्मीद करके आई थी। पहले तो जब वह कुछ दिनों के लिए मायके आती थी तो भाभी उस पर कैसे प्रेम लुटाती थी। तो क्या वह प्रेम केवल दिखावा था? तभी तो भाभी को जब पता चला कि वह हमेशा के लिए ससुराल छोड़कर आ गई है तो भाभी का प्रेम एक पल में पानी हो गया। अनामिका की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर सुनील भी बहुत परेशान था। एक तरफ बहन की तकलीफ थी और दूसरे तरफ पत्नी का ऐसा रूखा व्यवहार। उसने तो सोचा था कि उसकी पत्नी हर सुख दुख में उसका साथ देगी। जीवन के उतार चढ़ाव में वह अकेला नहीं है। मम्मी पापा के गुजरने के बाद आखिर दोनों ही तो एक दूसरे का सहारा थे। पत्नी के असहयोग से उसे बहुत चोट पहुंची थी। उसकी पत्नी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर घर छोड़ गई थी और सुनील को यहाँ साफ साफ शोभा की गलती ही दिखाई दे रही थी, इसलिए वो उसे मनाने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे
और दिन पर दिन सुनील और शोभा की एक दूसरे के प्रति नाराजगी भी बढ़ती जा रही थी। ना तो सुनील शोभा को फोन कर रहा था और ना ही शोभा उससे बात करने को तैयार थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पति ने बहन के लिए पत्नी को घर से निकल जाने के लिए कह दिया। इसलिए वो चाहती थी कि सुनील उससे माफी मांगे, तभी वो घर वापस जाएगी। लेकिन सुनील का सोचना था कि जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो फिर मैं उसे कॉल क्यों करूं। दोनों में से कोई भी पहल करने को तैयार नहीं था। और इधर इन सब के लिए अनामिका ही खुद को दोषी मान बैठी थी। देखते ही देखते 20 दिन बीत चुके थे। अब अनामिका से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक सहेली की मदद से नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। भैया को अभी उसने कुछ नहीं बताया था। जब उसे नौकरी मिल गई तो उसने अपने रहने का इंतजाम एक हॉस्टल में कर लिया। फिर सुनील के पास आई और कहने लगी, भैया मुझे घर बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था तो मैंने एक नौकरी ढूंढ ली है, लेकिन ऑफिस घर से जरा दूर है, 3 घंटे तो केवल जाने में ही लग जाते हैं, इसलिए मैंने ऑफिस के पास में ही एक रूम ले लिया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपनी जिंदगी में एक नया कदम बढ़ाना चाहती हूँ। यह सुनकर सुनील अवाक रह गया और कहने लगा कि तुम्हें इतनी दूर नौकरी मिली है या तुमने जानबूझकर इतनी दूर नौकरी ढूंढी है? तुम्हें ये नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं आसपास ही कोई काम देख लो। पापा मम्मी के जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है बाबू, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लूंगा? भाई की बात सुनकर अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भाई के घुटने के पास बैठ गई और उसकी हथेली थामते हुए कहने लगी, भैया आप अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन मुझे भी अपनी जिंदगी के संघर्ष खुद करने दीजिए और मेरी वजह से अपनी गृहस्थी चौपट मत करिए। सुनील निशब्द था, बस उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। भाई बहन के प्यार को देखकर उस वक्त वहां कोई और मौजूद रहता तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते। 2 दिनों के बाद अनामिका जाने वाली थी। वो भारी मन से पैकिंग कर रही थी और इधर सुनील का दिल लगातार उसे कचोट रहा था कि वह अपनी बहन का ध्यान नहीं रख पाया। अब उसके मन में शोभा के लिए और भी गुस्से ने जन्म ले लिया था कि उसकी वजह से ही उसकी बहन इस तरह अकेले घर से निकलने को मजबूर है। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब वह शोभा को कभी भी अपनी पत्नी का स्थान नहीं देगा। भले ही वह इस घर में लौट कर आ जाए, लेकिन वह उसे दिल से कभी माफ नहीं कर पाएगा। इधर शोभा जब अपने मायके पहुंची तो कुछ दिनों तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सप्ताह भर के बाद ही शोभा की भाभी तृप्ति का व्यवहार रूखा होने लगा। वो बात बात में उसे ताने मार देती थी कि मायके में इतने दिनों तक नहीं रहा जाता है। शोभा की माँ लाजवंती जी भी बेटी के पक्ष में कुछ बोल नहीं पाती थी। भाई और पापा भी उससे ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे थे। शोभा को अपने मायके में बहुत परायापन महसूस हो रहा था। किसी ने उससे खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसका वहां इस तरह से आना किसी को पसंद नहीं आ रहा है। एक दिन उसने अपनी भाभी को भैया से बात करते हुए सुना। वो कह रही थी कि शोभा कब तक यहाँ बैठी रहेगी, देखो अगर तुम्हें अपनी बहन की गलती नहीं दिखाई देती है तो साफ साफ बोल दो, मैं भी इसी तरह अपने मायके जाकर बैठ जाती हूँ। यह तो अपने फर्ज और जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर बैठी है और मुझे तुम लोग हमेशा जिम्मेदारी निभाने का पाठ पढ़ाते रहते हो। उसकी बात सुनकर भाई शर्मिंदा सा हो गया था। यह सब सुनकर शोभा सोच में पड़ गई कि अगर मुझे मेरी ननद का मायके में रहना चुभता है तो फिर मेरी भाभी की सोच भी मेरी जैसी ही है। फिर मुझे भाभी से उम्मीद क्यों है कि मेरे मायके आने पर वह खुश रहे? जब मेरी ननद का आना मुझे बोझ लगता है तो फिर मेरी भाभी भी तो मेरे साथ ऐसा ही करेगी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो दिया था वही घूम फिर कर वापस आ रहा था। इससे पहले कि उसके मायके के रिश्ते भी बिगड़ जाते उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह अपने बुरे व्यवहार पर शर्मिंदा हो उठी थी। शाम को वह मायके में सबको बताकर अपना बैग लेकर ससुराल जाने के लिए निकल पड़ी। उसे समझ में आ गया था कि जब कोई गंभीर बात होती है तब मायके वालों को बेटी का पूरा साथ देना चाहिए, लेकिन इसका नाजायज फायदा उठाकर बेटी को भी अपना फर्ज अधूरा छोड़कर मायके में आकर नहीं बैठना चाहिए। शोभा घर पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसके मोबाइल पर अनामिका का कॉल आया। उसने फोन रिसीव किया तो अनामिका भरे गले से बोली, भाभी मुझे माफ कर दीजिएगा, इतने दिनों से मैं आपको फोन नहीं कर पाई क्योंकि मैं जानती थी कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन अब आपको मेरी वजह से परेशानी नहीं होगी। मैं घर छोड़कर हॉस्टल में रहने के लिए चली आई हूँ। अब आप भैया को माफ कर दीजिए और घर वापस लौट जाइए।
इतना कहकर उसने फोन रख दिया। शोभा आवाक रह गई कि उसने यह क्या कर दिया। वह घर पहुंची। घर में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनील बालकनी में आराम कुर्सी पर सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद किए लेटा था। उसकी आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। पति की ये दशा देखकर शोभा आत्मग्लानी से भर उठी। वह पति के पास गई और पति के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सुनिए जी, मैं आ गई। सुनील एक झटके से उठ खड़ा हुआ और नाराज होते हुए बोला, हाँ, अब तो तुम्हें आना ही था। मेरी बहन को तुमने घर से निकाल दिया ना। तुम यही तो चाहती थी ना कि मेरी बहन इस छत के नीचे ना रहे। तो तुम्हारी मर्जी का काम हो गया है। पति के स्वर की रुखाई को महसूस करके शोभा का अंतर्मन कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि अनामिका घर छोड़कर चली गई है, बल्कि इसलिए आई हूँ क्योंकि मायके में रहते हुए मुझे यह एहसास हुआ कि इन सब में अनामिका की कोई गलती नहीं थी, बल्कि गलत मैं हूँ। हम अभी अनामिका के पास चलेंगे और जब तक वह इस घर में वापस नहीं आएगी, मैं दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगी। पत्नी का बदला हुआ रूप देखकर सुनील हैरान था। उसने आगे बढ़कर झट से उसे गले से लगा लिया। सारे गिले शिकवे आंसुओं के साथ बह गए थे। फिर दोनों मिलकर अनामिका के पास पहुंचे। अनामिका उन दोनों को साथ देखकर हैरान थी। दोनों मिलकर उससे घर वापस चलने की जिद करने लगे। भाभी का बदला हुआ व्यवहार उसे भीतर तक भिगो गया था। शोभा ने उसे गले से लगाते हुए कहा, अनामिका मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे बड़ी हूँ, फिर भी मैंने तुम्हें वह स्नेह नहीं दिया जिसकी तुम हकदार हो। ऐसे मुश्किल समय में मुझे तुम्हारा सहारा बनना था, लेकिन मैंने तुम्हें अकेले जीने को मजबूर कर दिया। लेकिन तुम अभी और इसी वक्त अपने घर वापस चलो, नहीं तो मैं भी उस घर में कदम नहीं रखूंगी। भाभी की बात सुनकर अनामिका बहुत भावुक हो गई थी। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। बहुत दिनों के बाद उसे किसी का स्नेह मिला था। ससुराल वालों के अत्याचारों से तो वह भीतर ही बिखर ही गई थी। आज भाभी ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे यह विश्वास दिलाया था कि जिंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव आए, वह हमेशा उसके साथ रहेगी। भैया भाभी के प्यार को देखकर अनामिका के मन को बहुत सुकून मिला था कि दुनिया में वह अकेली नहीं है। फिर वह घर वापस चली आई और तीनों एक साथ मिलकर रहने लगे। कुछ महीनों में अनामिका का तलाक हो गया और उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, और इस सफर में उसे अपने भैया भाभी का भरपूर साथ मिला। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती है। यदि परिवार के किसी सदस्य की जिंदगी में कोई तकलीफ चल रही है तो परिवार के बाकी लोगों को उसका साथ जरूर देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कभी भी बदल सकती है और कब किस पर क्या मुसीबत आ जाए कोई कह नहीं सकता। इसलिए दूसरे की तकलीफ को समझकर उसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए।